विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का एग्जांपल है सॉल्व एंड चेक। तो इसमें गिवन एग्जांपल है रूट थ्री एक्स प्लस टेन प्लस हाफ रूट सिक्स माइनस एक्स इज इक्व टू सिक्स। तो हमें फाइंड आउट करना है एक्स का वैल्यू। तो सॉल्यूशन में पहले गिवन इक्वेशन लिख लेंगे, रूट थ्री एक्स प्लस टेन प्लस हाफ रूट सिक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू सिक्स, स्क्वेयर रूट भी बोल सकते हैं। तो हम ये समझ लेंगे ये है और ये बी है, तो ये क्या बनते हैं, ये प्लस बी इक्वल सिक्स बनते हैं, लेकिन ये प्लस बी नहीं है, ये स्क्वेयर रूट ये और स्क्वेयर रूट बी है, ये ऐसा हो जाएगा। तो स्क्वेयर रूट ये प्लस स्क्वेयर रूट बी इज इक्वल टू सिक्स बनते हैं। अगर हम दोनों तरफ स्क्वेयरिंग किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो क्या बनता है, इधर भी स्क्वेयर बनेगा इधर भी स्क्वेयर बनेगा, तो ये प्लस स्क्वेयर के ये स्क्वेयर रूट ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस स्क्वेयर रूट बी होल स्क्वायर बनेगा, प्लस ऑफ टू टाइम्स स्क्वेयर रूट ये इंटू स्क्वेयर रूट बी, दिस इक्वल सिक्स स्क्वेयर मीन्स 36। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये दोनों चले जाएगा, ये दोनों चले जाएगा, ये प्लस बी इतना ही बचेगा, प्लस टू टाइम्स ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, रूट ए इंटू बी कर दो, दिस इक्वल्स 36 बनता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर रूट ए मीन्स स्क्वेयर रूट ये पूरा है, तो ये इतना ही हम पकड़ लेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। यहाँ स्क्वेयरिंग करने के बाद क्या बनते हैं, 3x प्लस 10 स्क्वेयर रूट होल स्क्वायर प्लस रूट 6 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस टू टाइम्स स्क्वेयर रूट 3x प्लस 10 इंटू स्क्वेयर रूट 6 माइनस एक्स, दिस इक्वल्स 6 स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वेयर बकरा बोलता है, तो ये दोनों तरफ अगर स्क्वेयर किया हम, इधर भी किया इधर भी किया, तो सिक्स स्क्वेयर हो गया, 36 बनेगा, ये लिखते सिक्स स्क्वेयर रखते थे, नेक्स्ट टाइम में 36 लिखेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों चले जाएगा, तो ये 3x प्लस 10 बच रहे, यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये दोनों चले जाएगा, 6 माइनस एक्स रह जाएगा, तो टू टाइम्स यहाँ पर दोनों मल्टीप्लिकेशन कर दो अंदर ए इंटू बी के टाइप, तो ये 3x प्लस 10 इंटू 6 माइनस एक्स बनता है। ठीक है, दिस इक्वल्स 36। तो 3x यहाँ पर ये लाइक टर्म देखो, 3x माइनस 6 माइनस एक्स यानी 2x बनते हैं, यहाँ पर प्लस 10 और प्लस 6 ये प्लस 16 बनता है, प्लस टू टाइम्स ए एज यूजुअल लिख लो 3x प्लस 10 इंटू 6 माइनस एक्स, दिस इक्वल्स 36। ये दोनों ये दोनों राइट साइड में लाइए, तो ये पॉजिटिव है, ये साइड में आने के बाद नेगेटिव बनेगा, तो ये क्या बनता है, टू टाइम्स स्क्वेयर रूट 3x प्लस 10 इंटू 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये 36 तो एज यूजुअल है, तो ये माइनस 16 इधर आने के बाद माइनस 16 हो जाएगा, ये इधर आने के बाद माइनस नेगेटिव 2x बनेगा। तो यहाँ पर क्या बनते हैं, 36 माइनस 16 मीन्स कितना होता है, 20 माइनस 2x, यहाँ पर 2 कॉमन लो तो 10 माइनस एक्स बनेगा, तो ये यहाँ पर 2 टाइम्स 3x प्लस 10 इंटू 6 माइनस एक्स पीछे है, तो ये दोनों कट हो जाएगा, तो अभी बच रहे क्या, स्क्वेयर रूट 3x प्लस 10 इंटू 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स, इतना ही बचा। तो यहाँ पर अभी क्या कर दो, नेक्स्ट इसमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स ले लो, इधर ये दोनों में स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स लो, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स लेने के बाद ये क्या बनता है, स्क्वेयर रूट 3x प्लस 10 इंटू 6 माइनस एक्स इसका स्क्वेयर, दिस इक्वल्स 10 माइनस एक्स इसका स्क्वेयर। तो यहाँ पर दोनों तरफ ये स्क्वेयर रूट जाएगा, ये स्क्वेयर जाएगा, तो यहाँ पर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा अभी, तो ये निकाल देंगे,
ये बस रहे क्या अभी 3 × x + 10 × 6 − x इज इक्वल टू 10 − x² ठीक है। यहाँ पर तो स्क्वेयर चले गया, अभी यहाँ पर a − b² का फॉर्मूला यूज करो, इधर a − b² दिस इक्वल्स a² + b² − 2 × a × b। यहाँ पर करने के बाद ये यहाँ पर क्या बनते है देखो, तो ये भी 3x है ना, ये दोनों 6 और माइनस नेगेटिव x को एक एक बार मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको एक बार, इसको एक बार, और 10 से इसको एक बार, इसको एक बार, तभी क्या बनता है 3x × 6 3 × 6 = 18x माइनस 3 × x 3x × x मीन्स 3x² माइनस, और यार प्लस है इधर भी प्लस है, प्लस 10 × 6 मीन्स 60 प्लस माइनस माइनस 10 × x मीन्स 10x दिस इक्वल्स 10² मीन्स 100 प्लस ऑफ x² नेगेटिव, यहाँ क्या बनते हैं 2 × 10 × x 20x। तो हमें अभी ये लाइक टर्म एक तरफ कर लो, 18x − 10x कितना होता है 8x होता है, ये माइनस 3x² एज यूजुअल और प्लस 60 एज यूजुअल, ये 100 एक रहने दो, ये माइनस, ये प्लस x² है ये साइड में लाओ माइनस x² बनेगा, ये माइनस 20x है इस साइड में लाओ प्लस 20x बनेगा, लेकिन आगे का जो 100 या एज यूजुअल रहने दो ओके। तो अभी ये लाइक टर्म है 8x और 20x, इधर 8x और 20x कितना होता है 28x होते हैं, यदि के 8x और 20x तो 28x और माइनस 3x² माइनस x² माइनस 4x² ठीक है। तो दिस इक्वल्स ये 100 एज यूजुअल, ये पॉजिटिव 60 है ये साइड में लाओ नेगेटिव 60 ठीक है। तो ये 28x माइनस 4x² इज इक्वल टू 100 माइनस 60 मीन्स 40 बनता है। तो अभी ये यहाँ पर लाइए, वापस लाइए, तो 28x माइनस 4x² माइनस 40 इज इक्वल टू 0 बनते है। तो ये सबसे पहले ये नेगेटिव साइन चेंज करके पॉजिटिव कर लीजिए, 4x² बनेगा, तो ये नेगेटिव 20x बनेगा और ये पॉजिटिव 40 बनेगा, दिस इक्वल 0। तो यहाँ पर 4 कॉमन लीजिए, तो x² माइनस 7x प्लस 10 यहाँ पर रह जाएगा, तो 4 अगर इससे ये किया तो यहाँ पर ओनली बचेगा x² माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 6, क्योंकि ये 4 दोनों तरफ अगर 4 से डिवाइड किया तो ये दोनों चले जाएगा, यहाँ पर तो 0 ही आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला x² माइनस 7x प्लस 10, क्या मिला हमें x² माइनस 7x प्लस 40 प्लस 10, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड, एक्स का वैल्यू तो यहाँ 1 × 10 हो जाएगा, 10 को 5 × 2 से, तो 7x में अगर करना है तो माइनस माइनस कर दो, तो दोनों पॉजिटिव 10 ही बनेगा, x² माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 दिस इक्वल 0। यहाँ पर ग्रुप कर दो, तो यहाँ ग्रुप करने के बाद यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 5 अंदर बचेगा, नेगेटिव 2 यहाँ ग्रुप में आ जाएगा, तो x माइनस 5 यहाँ पर बचेगा, दिस इक्वल 0। तो यहाँ पर और x माइनस 5 कॉमन आ जा रहे, x - 5 कॉमन लो, तो इधर x - 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें दो फैक्टर्स मिला, x - 5 = 0 एक मिला और x - 2 = 0 मिला। तो ये यहाँ से लाइयो, लाजी लेके आइए, तो x = +5 बनेगा, तो हमें एक सर ये मिला, तो ये भी यहाँ पर ये साइड में लाइए, x = +2 बनेगा, तो x का वैल्यू हमें 2 मिला, x = 5 और x = 2। ये दोनों सॉल्यूशंस मिला हमें 5 और 2। तो हम यहाँ पर 5 और 2 तो रखेंगे, x = 5 2 पहले 2 5 रखेंगे,
सबसे पहले छोटा रखेंगे, बाद में बड़ा रखेंगे। पहले जो गिवन इक्वेशन है स्क्वायर रूट 3 × x + 10 प्लस ऑफ स्क्वायर रूट 6 − x दिस इक्वल्स 0 ये गिवन है। हम सबसे पहले पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे x इक्वल्स 2, इसे हम ये करेंगे। तो देखो जहाँ भी x है 2 का वैल्यू रखो, 3 × 2 प्लस ऑफ 10 ओके प्लस ऑफ स्क्वायर रूट 6 − 2 दिस दिस इक्वल्स 6 आता ही है नहीं। देखो तो स्क्वायर रूट 3 × 2 मीन्स 6 प्लस ये 10 प्लस ऑफ 6 − 2 मीन्स 4 दिस इक्वल्स 6। स्क्वायर रूट 6 + 10 मीन्स स्क्वायर रूट 16 प्लस ऑफ स्क्वायर रूट 4 दिस इक्वल्स 6 आया या नहीं देखो। तो रूट 16 मीन्स 4 प्लस रूट 2 मीन्स 2 दिस इक्वल्स, तो 4 + 2 मीन्स 6 दिस इक्वल्स 6। देयरफॉर LHS इक्वल्स RHS, देयरफॉर ये x इक्वल्स 2 जो मिला है वो 2 है ओके। तो ठीक इसी तरह सेकंड में ये वो फर्स्ट में हो गया, सेकंड में x इक्वल्स हम क्या रख लेंगे 5 रख लेंगे ये फर्स्ट में। तो ठीक उसी इसमें तो पहले लिख लीजिए 3x + 10 प्लस ऑफ स्क्वायर रूट 6 − x दिस इक्वल्स 6। तो x जहाँ भी है उधर आप 5 रख दीजिए, 3 × 5 प्लस ऑफ 10 प्लस ऑफ स्क्वायर रूट 6 − 5 दिस इक्वल्स 6 आ रही है नहीं दे चेक करो। तो स्क्वायर रूट 3 × 5 मीन्स 15 प्लस 10 प्लस ऑफ स्क्वायर रूट 6 − 5 मीन्स 1 दिस इक्वल्स ?6। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 15 + 10 मीन्स 25 प्लस स्क्वायर रूट 1 मीन्स 1 दिस इक्वल्स ?6। स्क्वायर रूट ही रख लीजिए। तो रूट 25 मीन्स 5 होता है प्लस ऑफ रूट 1 मीन्स 1 ही होता है दिस इक्वल्स 6 आता ही नहीं। देखो देखो 6 = 6 आ गया, देयरफॉर LHS इक्वल्स RHS, देयरफॉर x इक्वल्स 5 इज आवर जो सेकंड है ये ट्रू है सेकंड सॉल्यूशन। तो ये गिवन जो x इक्वल्स 2 और 5 है ये करेक्ट है। तो यहाँ पर और एक बार लिखो x इक्वल्स 2 और x इक्वल्स 5 ये दोनों हमारा सॉल्यूशन है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।